हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने ब्लूटूथ को हेडफोन से आप कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर यही सब बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स, या फिर आप कोई भी स्पीकर है तो उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ से ये ऑन कर दूँगा तो यहाँ पर लाइट जल गया है, आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आपका डिवाइस शो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑल डिवाइस में मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कौन कौन सा डिवाइस अभी शो हो रहा है। जैसे शो होगा वो मैं फिर कनेक्ट करूँगा, उस पर क्लिक करना होगा। सिर्फ ऑल डिवाइस यहाँ पे दिख रहा है और भी डिवाइस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे शो हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है और यहाँ पे जैसे ही इस डिवाइस का नाम आएगा उसको आप कनेक्ट कर पाएंगे फ्रेंड्स। ये कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये वाला डिवाइस था जिससे मेरा पेयर हो चुका है और इसी प्रकार से आप भी पेयर कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सुनील टू पेयर हो चुका है और इसी प्रकार से जब भी गाना बजाएंगे तो आपका उसमें बजेगा फ्रेंड्स। और इसको डिसकनेक्ट करना हो तो यहाँ से आप डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं, बस बहुत आसान है। एडवांस वाले फीचर्स में जा करके इसको ऑफ भी कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से पेयर हो जाएगा, दोबारा से करेंगे तो स्टॉप करेंगे तो स्टॉप भी हो जाएगा। तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से पेयर होना कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से और भी डिवाइस आ जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई भी सवाल बवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इसी प्रकार से पेयर करके आप अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय, टेक केयर।